दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी एक प्रचंड वशीकरण जो कि आप पीपल के पत्ते और नींबू की सहायता से कर सकते हैं। मनचाहा प्यार पाना हो या फिर आपको पड़ोसन को वश में करना हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, जब आप किसी को अपने वश में कर लेते हैं तो आपकी समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जो आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा। बस दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, मन में किसी भी तरह का गलत विचार ना लाएं। जिस भी महिला को या पुरुष को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम लें और सच्चे मन से बहुत ही ज्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। मैंने, आप देख सकते हैं, एक नींबू का इस्तेमाल किया है। इस नींबू को लेना है आपको और सबसे पहले आपको उस लड़की का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। लाल पेन की सहायता से आप एक तरफ लड़की का नाम लिख दीजिए, उसके बाद दूसरी तरफ आपको लिखना है अपना नाम। इस तरफ आप अपना नाम लिख दीजिए और ये दोनों काम जब हो जाए आपके तो आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है नींबू पर। इस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। और दोस्तों अब आपको एक काम और करना है, वो ये कि जो पीपल का पत्ता हम ले रहे हैं, पीपल के पत्ते को आप अच्छे से धोकर सुखा लीजिए। उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों पीपल का पत्ता लेने के बाद आपको इसके ऊपर लिखना है मंत्र, और मंत्र लिखने से पहले आप एक स्वास्तिक का चिन्ह पीपल पे बना लीजिए और उसके नीचे आपको लिखना है ओम कामदेवाय। लड़की का नाम जो आपने नींबू पर लिखा होगा वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है, लड़की का नाम लिखकर, और नीचे लिख दीजिए वश्यम कुरु स्वाहा। इस तरह से दोस्तों आप हिंदी में इस मंत्र को लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में समस्या हो तो आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैं वीडियो में आपको कैसे इस मंत्र को इंग्लिश में लिखना है वो भी बता दूंगी। तो आप इस तरह से इसके ऊपर लिख लीजिए और ये जो जगह मैंने खाली छोड़ी है यहाँ पर आपको उस लड़की का नाम लिखना है या उस महिला का या वो व्यक्ति जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या किस तरह से कहां पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने सामने इस पत्ते को इस तरह से रखिए और उसके ऊपर आप इस नींबू को भी इस तरह से रख दीजिए। दूसरा कार्य जो आपको करना है दोस्तों, ये जो आपको मैंने मंत्र बताया है ये इसका बीज मंत्र है, यानी कि पूरी विधि के दौरान आपको इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। जो मंत्र बहुत ही आसान है, ओम कामदेवाय अमुकम वश्यम कुरु स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। और साथ में आपको क्या करना है, थोड़ा सा लाल कुमकुम लेना है, लाल कुमकुम पीपल के पत्ते के ऊपर इस तरह से डाल देना है, और थोड़ी सी हल्दी लेनी है आपको। हल्दी भी आपको इसी तरह से निकालनी है इस उंगली की सहायता से और इसके ऊपर इस तरह से डाल देनी है। हल्दी आप दो बार लगाइएगा, दो बार में आपको इस तरह से लगा देनी है पीपल के पत्ते के ऊपर। अब ये जो नींबू हमने लिया है इसको आपको काटना है। दोस्तों इसको इस तरह से आपको काटना है कि आपका नाम और आपकी प्रेमिका का नाम, यानी कि जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, वो एक ही पे आना चाहिए। तो हम इस तरह से नींबू को इस पे रखेंगे पत्ते पर और इस तरह से नींबू को काटा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वहीं पर आपको लड़की का नाम दिखेगा और साथ ही साथ आपका अपना नाम भी इस तरफ दिखेगा। नीचे का जो पोर्शन है उसे आप इसके साथ जुड़े रहने दीजिए। अब आपको इस नींबू को इस पीपल के पत्ते के ऊपर इस तरह से उल्टा रख देना है, उल्टा रख देना है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान देना है कि ये बीच में जो जुड़ा हुआ है ये टूटे ना, और इस कुमकुम और हल्दी को आपको पूरी तरह से नींबू के ऊपर लगा देना है। इसके बाद इसे वापस इस तरह से जोड़ दीजिए और पीपल के पत्ते में आपको इसको लपेट देना है। इस तरह से लेकर आप इसे लपेट दीजिए। दोस्तों इस दौरान जब आप ये पूरी विधि कर रहे होंगे तो आपको मंत्र का उच्चारण करते रहना है, मंत्र का उच्चारण रोकना नहीं है दोस्तों। और इसके बाद आपको इसे रोली की सहायता से, जो कि हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, उस रोली की सहायता से इस तरह से इसको लपेट देना है। आपको इसे सिर्फ 7 बार लपेटना है दोस्तों, और 7 बार लपेटने के बाद आपको इसमें गांठ मार देनी है इस तरह से।
इसको बांध देना है अच्छे तरीके से और आप देखेंगे कि इस वशीकरण की वजह से वो इंसान आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आपसे प्यार करने लगेगा, तुरंत आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। और दोस्तों ये इस तरह से आपका जो वशीकरण है ये पूरा हो चुका है, लेकिन आपको बस एक कार्य अभी करना बाकी है, वो ये कि जहां से भी आप ये पीपल का पत्ता लेकर आए थे उसी जगह पर आपको वापस जाना होगा और एक छोटा गड्ढा खोदकर आपको ये सामग्री उस गड्ढे के अंदर दबा देनी है और दोस्तों उसके ऊपर से मिट्टी डाल देनी है और घर वापस आ जाना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। वो महिला, वो लड़की जिसका नाम आपने इस नींबू पर और इस पीपल के पत्ते पर लिखा है, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, आपके प्यार में पड़ जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई भी सवाल हो आपका दोस्तों, आप हमारे नंबर पे कॉल लगाइए, आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या है जो कि आप जानना चाहते हैं उसका हल, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे कीजिए और आपका काम जरूर हो जाएगा दोस्तों, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।